Hello guys, this is Sarabjit Singh and I welcome to you all on your own YouTube channel Free Visa Advisor. दोस्तों Free Visa Advisor है नाम ट्रस्ट का स्टेबिलिटी का और खबरों को सच्चे तरीके से और अच्छे तरीके से आप तक पहुंचाने का. दोस्तों मैंने जब से एयर कनाडा की जो अपडेट है उनको कवर करना शुरू किया है तो बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए हैं और बहुत सारे एक्सपीरियंस होने के साथ साथ अभी जो मेरे पास जो लेटेस्ट जो मेरे पास कॉमेंट्स आते हैं जो मेरे पास फ़ोन आते हैं यानी कि मैं कॉल्स को अटेंड करता हूं तो उसमें ज़्यादातर बात क्या होती है कोस्टिंग को लेकर होती है. दोस्तों कोस्टिंग के बारे में मैं कुछ भी मेरे हाथ में नहीं है, मैं उसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकता. अगर एक एयरलाइंस ये समझ रही है कि मेरा जो है ना अभी आने वाले टाइम के अंदर जो है एकदम से जो है ट्रैफिक बढ़ने वाला है तो वो ऑलरेडी वो अपने आप तरीके से अपनी कंडीशंस रखेंगे. इवन नॉन रिफंडेबल भी है उसमें और उसके अंदर कॉस्टिंग भी है यानी कि जो टिकट आपको 60-70 हज़ार में मिल जानी चाहिए वही आपको जो है 1.5-2 लाख रुपए से ऊपर मिल रही है. मैंने तो यहाँ तक देखा जो एयर इंडिया है उसकी कॉस्टिंग भी बढ़ रही है. ब्रिटिश एयर ने अभी थोड़े दिन पहले 5 लाख तक की टिकट बेची है और वो भी कैनेडा तक की. दोस्तों ये कॉस्टिंग तो देखो ये ऑब्वियस ही बात है कि बिजनेस है, ये एक कॉरपोरेट एक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर जो है ना अगर आपकी डिमांड बढ़ती है तो आपकी कॉस्ट भी उसी के साथ बढ़ेगी. तो दोस्तों इस स्थिति में किया क्या जाना चाहिए यानी कि मैं आप लोगों को सुजेस्ट जो करता हूँ वो चीज़ें वाकई अपने आप में बहुत मायने रखती हैं और मेरे लिए तो बहुत मायने रखती है क्योंकि मुझे पता है कि मैं जो सुजेस्ट कर रहा हूँ वो मैं अपने लोगों को सुजेस्ट कर रहा हूँ और ये सुजेशन जो है हालातों के मुताबिक जो सिचुएशन के मुताबिक अब जो हमारे सामने एकदम से सिचुएशन पैदा हो जाती है उनके मुताबिक मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ. तो दोस्तों इस समय क्या हालात है कि अगर आप एयर कनाडा की 27 सितंबर को यानी कि एयर कनाडा की 27 सितंबर को शुरू होने की वेट कर रहे हैं तो दोस्तों उसके अंदर आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा, आपको कॉस्ट पे करनी पड़ेगी उसकी यानी कि जब भी ये शुरू होगा तो 1.5-2 लाख रुपये से ऊपर ही इसकी कॉस्ट जाने वाली है. और अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैंने एक चीज़ देखी है, मेरे पास बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं सर इस तारीख की आप डेट बताना मुझे, हम लोगों को कनाडा जाना है तो आप ना इस डेट का मुझे रेट दे दीजिए. और मैं ये रेट देखता हूँ सर, अगर आप बात डायरेक्ट की कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट रूट से जाइए ना, फिर आप कनेक्टेड क्यों देख रहे हैं. तो जब वो मैं कहता हूँ कि मेरा यहाँ पे रेट आ रहा है 2,66,000 रुपये और मैं आप लोगों को यहाँ पे 35,000 से लेकर 40,000 रुपये डिस्काउंट दे दूँगा, आगे से जवाब पता क्या आता है, सर यहाँ पे तो 60,000 दिखा रहा है. अरे भाई ये देखिए कि आप 60,000 के अंदर कनेक्टेड कितनी जगह हो रही है. आपकी फ़्लाइट जो है ना नॉर्मली जो एक जो टाइमिंग है वो 14 घंटे से लेकर 15 घंटे हैं, अगर आपको वो 48 घंटे ले रहा है 42 घंटे ले रहा है तो आप कौन सा इनडायरेक्ट रूट की या डायरेक्ट रूट की बात कर रहे हैं. तो दोस्तों डायरेक्ट रूट का मतलब है कि आप दुबई से उड़े, एक ले और हुआ क्योंकि वो तो एयर कनाडा भी लेता है, आप सीधा कनाडा पहुंच गए यानी कि वो जो 18 घंटे का जो आपको टाइमिंग मिला है जो कनाडा ने कहा है कि 18 घंटे के किससे ज़्यादा वो लेट नहीं होना चाहिए आपका आरटीपीसीआर टेस्ट, तो उस टाइमिंग को पूरा भी तो करना है. अगर आप कनेक्टेड फ्लाइट से कहीं पे 2-3 जगह ले ओवर करके जाएंगे और वो भी रेट कम करने के चक्कर में तो आपके 18 घंटे तो वैसे ख़राब हो गए. तो दोस्तों ये सब टेक्निकल चीज़ें हैं, आप लोग समझ नहीं रहे हैं इन बातों को. और दूसरी बात, अब आपको करना क्या चाहिए, आपको इनडायरेक्ट रूट से जाना चाहिए क्योंकि जैसे ही डायरेक्ट रूट बढ़ रहा है इनडायरेक्ट रूट का भी जो है अभी इस समय रेट चीप आ गए हैं और जैसे ही डायरेक्ट रूट बढ़ेगा इनडायरेक्ट रूट भी सेम इंटेंसिटी के साथ हाई इंटेंसिटी के साथ बढ़ेगा क्योंकि दोनों के रेट इक्वल हो जाएंगे और आपको फिर से वही समस्या आने वाली है कि 1.5-2 लाख रुपये हम लोग कैसे खर्चें. अभी जो अगर आप बात करें इनडायरेक्ट रूट की, दुबई इज़ द बेस्ट रूट राइट नाउ. आप लोग मैक्सिको से भी जा सकते हैं, आप लोग सर्बिया से भी जा सकते हैं, हिमालय से भी जा सकते हैं, लेकिन दुबई इस समय सबसे बेस्ट रूट है क्योंकि 2 दिन का आपको स्टे मिलता है, आरटीपीसीआर टेस्ट मिलता है, होटल ट्रांसफ़र मिलता है, उसके साथ ट्रैवल इंश्योरेंस मिलता है और वीज़ा आपको खुद हम करके दे रहे हैं. और इसके साथ साथ आपके पास जब तक आप लोग दुबई में हैं आपकी फ़्लाइट नेक्स्ट फ़्लाइट नहीं होती, आप वहाँ पे घूम सकते हैं यानी कि एक आपको डेस्टिनेशन मिल जाती है. दोस्तों एंड दुबई इज़ ऑलवेज लाइक इंडिया और वहाँ जाके आपको जो फील आता है आपको अपनेपन का फील आता है, आप लोगों को लगता ही नहीं है कि, लेकिन वहाँ जाकर ये जरूर पता लगता है कि अब्रॉड क्या होता है, फॉरेन क्या एक जो फिनोमिना क्या होता है. तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात हमेशा ही कहता हूँ कि आप अगर
चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर हैं, आप बात मानते हैं, तो आप लोगों को 30 तारीख तक मैं डायरेक्ट फ्लाइट के लिए 40,000 to 50,000 तक मैं आपको डिस्काउंट दे सकता हूं। और इसके अलावा अगर आप इनडायरेक्ट रूट चुनते हैं तो उसके अंदर भी मैं आपको बहुत सा डिस्काउंट दे सकता हूं, लेकिन मुझे देखना पड़ेगा कि आप लोगों का जो टाइमिंग है, आप लोगों का जो आप लोगों ने एक डेट डिसाइड की है वहां तक पहुंचने की, वो किस तरीके से, और मैं किस एयरलाइन को चुनता हूं आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आप लोग जल्दी से जल्दी 3-4 दिन के अंदर रिस्क लेकर ही, चाहे आप एक मतलब पैकेज बुक कीजिए, लेकिन बुक कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में आप लोगों की रीच से ये बाहर चले जाएगा और फिर आप जो है आसानी से कह देंगे, सर अब तो ये कॉस्टिंग बड़ी हाई हो रही है, बहुत महंगा हो रहा है सर, बहुत मतलब हमारी रीच से बाहर हो रहा है। तो इसलिए दोस्तों, मैं ये स्पेशल एक वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ कि अगर आप कॉस्टिंग को लेकर वाकई ही कहीं ना कहीं कॉन्शियस हैं और कॉन्शियस रहने वाले हैं, कन्फ्यूज़ हैं, तो दोस्तों दिस इज़ द राइट टाइम टू बुक योर फ्लाइट। इन्हीं सब शब्दों के साथ सी यू लेटर, गॉड ब्लेस यू, विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू। Thank you.